सभी साथियों का आपके अपने प्यारे से YouTube परिवार पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग करंट अफेयर के इस एपिसोड में बात करने वाले हैं रिपोर्ट, मसौदे, नीतियां एवं सूचकांक। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आइए हम लोग बात कर लेते हैं आज के करंट अफेयर। और ये करंट अफेयर जो भी PET का परीक्षा देने वाले हैं, जो CTET TET या अन्य जो भी परीक्षाएं प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उन सभी के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बात करें प्रथम प्रश्न पत्र की, तो इसमें है कि राष्ट्रीय भूस्थानिक नीति 2022 को भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा अधिसूचित किया गया है। अगला प्रश्न है कि रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण हेतु कौन सी नीति को तैयार किया गया है? तो अमृत भारत स्टेशन योजना तैयार किया गया है। यह किस मंत्रालय के अधीन है? तो यह रेल मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2021 रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा इसे जो है प्रकाशित किया गया है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के दौरान सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या कितनी दर्ज की गई है? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 412,432 यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कुल घटनाओं में घायलों और मृतकों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 3.84 लाख, लगभग 1.54 लाख इसमें जो है मृतकों की संख्या है। अगला प्रश्न है कि 2019 की तुलना में 2021 में सड़क हादसों में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज किया गया है? तो 8.1% की जो है गिरावट दर्ज किया गया है 2021 में। अगला प्रश्न है कि 2021 की तुलना में सड़क दुर्घटनाओं में मौतों की संख्या में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो 1.9% की वृद्धि को दर्ज किया गया है। अगला प्रश्न है कि कुल सड़क दुर्घटनाओं में किस आयु के वर्ग के लोग सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं? तो 18 से 45 वर्ग जो भी वर्ष के लोग हैं वे अधिक प्रभावित हुए हैं। अगला प्रश्न है कि सामाजिक प्रगति सूचकांक भारत के किन राज्य, मतलब भारत के राज्य और जिले रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के माध्यम से यह जारी किया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि इस रिपोर्ट को किसके सहयोग से तैयार किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पटीटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेसिव इंपेरेटिव के द्वारा इसे जो है तैयार किया गया है। इसके जो है महत्वपूर्ण कौन कौन से आयाम हैं? तो 3 आयाम हैं। एक है बुनियादी मानवीय आवश्यकताएं, दूसरा है कल्याण की नींव और तीसरा है अवसर। ठीक है दोस्तों, अगला है कि सदा रिपोर्ट में कितने संकेतकों को शामिल किया गया है? तो राज्य स्तर पर अगर बात किया जाए तो 89 हो जाएंगे और जिला स्तर पर बात किया जाए तो 49 हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि रिपोर्ट में अति उच्च सामाजिक प्रगति वाले क्रमशः शीर्ष 3 राज्य केंद्र शासित कौन कौन से प्रदेश हो जाएंगे? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा पुडुचेरी, स्कोर 65.99 हो जाएगा, लक्षद्वीप का स्कोर 65.89 हो जाएगा, गोवा का स्कोर हो जाएगा 65.53, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी लोगों तक, सबको पहुंचा दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। प्रश्न है अगला कि रिपोर्ट में उच्च सामाजिक प्रगति वाला शीर्ष राज्य फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा और इसका स्कोर रहा है 60.67। अगला प्रश्न है कि रिपोर्ट में उच्च मध्यम सामाजिक प्रगति श्रेणी में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, इसका स्कोर रहा है 58.26, समग्र रैंक रहा है 16। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि रिपोर्ट में निम्न मध्यम सामाजिक प्रगति श्रेणी में शीर्ष राज्यों का कौन सा स्थान रहा है भैया? तो शीर्ष राज्यों का स्थान है हरियाणा, जिसका स्कोर की अगर बात कर दें तो 54.15 हो जाएगा और समग्र रैंक हो जाएगी 21। अगला प्रश्न है कि रिपोर्ट में निम्न सामाजिक प्रगति श्रेणी
में शीर्ष राज्य में कौन सा रहा है भैया? तो ये उत्तर प्रदेश रहा है। इसका जो स्कोर रहा है 49.16 रहा है। समग्र रैंक इसकी 31 रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रिपोर्ट में अत्यधिक निम्न वेरी लोअर, ठीक है वेरी लो, सामाजिक प्रगति वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो आइए बात कर लेते हैं। पहला झारखंड, दूसरा बिहार और तीसरा असम है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रिपोर्ट में कितने महत्वाकांक्षी जिलों की समीक्षा करी गई है? तो 112, ठीक है 112 जिलों की जो है वो समीक्षा करी गई है। अगला प्रश्न है कि रिपोर्ट के अनुसार 3 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिले कौन से हैं? तो आइजोल, पहला अपना जिला भी है आइजोल, दूसरा है सोलन जो कि हिमाचल प्रदेश का एक है, और तीसरा हो जाएगा शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, अगला क्या है कि राजस्व आसूचना निदेशालय यानी DRI ने अपने 65वें स्थापना दिवस के दौरान किस रिपोर्ट के नवीन संस्करण को जारी किया गया है? तो इसमें भारत में तस्करी रिपोर्ट को जो है 2021-22 को जो है जारी किया गया है। अगला प्रश्न है कि 2022 का DRI वीरता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो हो जाएंगे इसका आंसर हो जाएगा मिसल क्वीनी डी कोस्टा व विपुल विश्वास को जो है यहाँ पर DRI वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन और स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया शीर्षक से रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये नीति आयोग के द्वारा जो है जारी किया गया है। अगला प्रश्न है कि मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति पारित करने वाला देश का तीसरा राज्य कौन सा बन गया है? तो ये मेघालय बन गया है। अगला प्रश्न है ऐसी नीति पारित करने वाला मेघालय पूर्वोत्तर कौन सा राज्य है? तो ये फर्स्ट राज्य है, ठीक है, जिसने ऐसी नीति को जो है जारी किया है। अगला प्रश्न है कि इस प्रकार की नीति पारित करने वाले देश के दो और अन्य राज्य कौन से हैं? तो ये केरल और कर्नाटक हो जाएंगे इसका आंसर। अगला प्रश्न है भैया कि भारत के लिए भूमिगत जल संसाधन आकलन रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जो है जारी किया गया है। अगला प्रश्न है कि इस रिपोर्ट के अनुसार संपूर्ण देश के लिए कुल वार्षिक भूमिगत जल पुनर्भरण कितना है? तो 437.60 बिलियन क्यूबिक मीटर BCM है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पूरे देश में कितना वार्षिक भूमिगत जल निकाला जाता है? तो ये निकाला जाता है 239.16 BCM निकाला जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में स्कूल शिक्षा पर UDIGE प्लस 2021-22 नामक विस्तृत रिपोर्ट जारी किया गया है। ठीक है, तो ये कब? 3 नवंबर 2022 को जारी किया गया है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी UDIGE प्लस 2021-22 रिपोर्ट के अनुसार उच्चतर माध्यमिक स्तर पर नामांकन वर्ष 2021-2021 की तुलना में कितने प्रतिशत बढ़कर हो गया है? तो ये 57.6%, ठीक है 57.6, और ये पहले कितना था? 53.8% था, बढ़कर के 57.6% हो गया है। ठीक है, अब UDIGE प्लस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा सभी लोग जितने भी हैं, फुल फॉर्म को नोट डाउन करते रहिएगा क्योंकि फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पेपर में आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स PAI 2022 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो पब्लिक अफेयर्स जो सेंटर है वो बेंगलुरु के माध्यम से जारी किया गया। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में सूचकांक के किस संस्करण को जारी किया गया है? तो ये 7वां संस्करण जारी किया गया है। बड़े राज्यों के श्रेणी के अंतर्गत तीन राज्य कौन कौन से हैं? हरियाणा, तमिलनाडु और केरल इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बड़े राज्यों की श्रेणी में अंतिम 3 स्थान किन राज्यों को प्राप्त हुआ है? तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। झारखंड की अगर बात करें तो इसे 18वां है, पश्चिम बंगाल की 17वां है और महाराष्ट्र जो है वो 16वां स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है कि बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये 12वां स्थान प्राप्त हुआ है। छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हो जाएंगे। और छोटे राज्यों की श्रेणी में अंतिम स्थान किसने प्राप्त किया है? तो ये नागालैंड है जो कि 10वां स्थान है। ठीक है, आगे क्या है कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण
स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण SSG 2022 रिपोर्ट को किसके द्वारा पूर्ण किया गया है, तो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के माध्यम से इसे जो है वो पूर्ण किया गया है। ठीक है, आगे यह है कि SSG 2022 के तहत बड़े राज्यों की श्रेणी में 3 शीर्ष स्थान पर कौन कौन से राज्य हैं, तो ये बेटा आंसर हो जाएगा सभी का तेलंगाना, हरियाणा और तमिलनाडु, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि SSG 2022 में छोटे राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि SSG 2022 के तहत शीर्ष 3 जिले कौन कौन से हैं, तो भिवानी हरियाणा हो जाएगा और जगत्याल तेलंगाना का हो जाएगा और निजामाबाद भी तेलंगाना का हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न भैया कि राष्ट्रपति द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के परिणामों की घोषणा कब की गई है, तो 1 अक्टूबर 2022 को घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है कि भारत के सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया है, तो इंदौर को घोषित किया गया है जो कि लगातार 6वीं बार रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये मार्क के जरूर लगा लें, ये बहुत बार पूछा जाएगा प्रश्न में। ठीक है, पिछली बार कई एग्जामों में पूछा गया, इस बार भी पूछे जाने की फुल संभावना बनती है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला 7 कचरा 7 स्टार कचरा मुक्त शहर किसे घोषित किया, जो कि इंदौर है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि स्वच्छ शहरों की राष्ट्रीय रैंकिंग में, ठीक है, राष्ट्रीय रैंकिंग किन शहरों को शीर्ष 3 स्थान प्रदान किया गया है जो कि स्वच्छ शहर है, तो तिरुपति 1वां स्थान है, मैसूर 2वां स्थान है और दिल्ली जो है वो 3रा स्थान है। अगला प्रश्न है कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में किन शहरों को शीर्ष 1स्थान प्रदान किया गया है, इंदौर 1वां स्थान हो जाएगा, सूरत 2रा हो जाएगा, नवी मुंबई 3रा। यहाँ पर बात को एक बार समझ लीजिए, यहाँ पर जो संख्या 1 लाख से 10 हज़ार 10 लाख की जनसंख्या में 3 स्थान है और वहाँ पर क्या है 1 लाख की संख्या में है, तो याद रखिएगा अगर 1 लाख से 10 लाख तक यानी 1 लाख से ऊपर की अगर बात करें तो तिरुपति 1वां स्थान है, मैसूर 2रा स्थान है और दिल्ली 3रा स्थान है। अगर ये पूछ लिया जाए तो 1 लाख से अधिक, वहाँ पर पूछा कि 1 लाख से 10 लाख, यहाँ पर 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में किन शहरों को स्थान प्राप्त किया गया है, तो इंदौर, सूरत और नवी मुंबई, ये चीज़ कन्फ्यूजन मत होइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे स्वच्छ छावनी किसे घोषित किया गया है, तो स्वच्छ जो छावनी है वो देवलाली यानी महाराष्ट्र जो है इसका आंसर हो जाएगा, उसे जो है घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है कि 1 लाख से कम जनसंख्या की श्रेणी में कौन सा गंगानगर या फिर शहर फिर स्थान पर रहा है, तो ये बिजनौर उत्तर प्रदेश का जो है एक जिला है, ये शीर्ष स्थान पर रहा है। अब अगर पूछ ले कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या पर कौन सा रहा, तो हरिद्वार रहा है। अगला प्रश्न है कि सर्वेक्षण 2022 में किन राज्यों को 100 से कम ULBs की शीर्ष श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में किन राज्य को जो है शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है, तो शीर्ष स्थान प्रदान किसे किया गया है, मध्य प्रदेश को। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में किस राज्य को 100 से अधिक UBLs की श्रेणी में शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते भैया कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में किस शहर को सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती के में सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार प्रदान किया गया, तो तिरुपति आंध्र प्रदेश को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न भैया देख लेते हैं कि इस वर्ष के स्वच्छ सर्वेक्षण में कुल कितने शहरों का आकलन किया गया, तो 4354 जो है शहरों को आकलन किया गया है। तो स्वच्छ भारत मिशन का प्रारंभ कब किया गया, तो 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। स्वच्छ सर्वेक्षण के प्रथम संस्करण का आयोजन किस वर्ष में किया गया, तो 2016 में किया गया था। आगे प्रश्न है 2021-22 के लिए भारत में सूचना आयोगों यानी IC के प्रदर्शन पर रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत जारी किया गया है, तो कब दिया गया, सतर्क नागरिक संगठन के माध्यम से जारी किया गया है। रिपोर्ट कार्ड का आधार क्या था, तो सूचना के अधिकार के तहत दिए गए जवाब इसका आंसर था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रिपोर्ट कार्ड के अनुसार देश का वह 2 राज्य कहाँ है जहाँ स्थित सूचना आयोग पूरी तरह से निष्क्रिय है, तो झारखंड हो जाएगा और त्रिपुरा हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति द्वारा भारत पर्यटन सांख्यिकी
2022 शीर्षक से रिपोर्ट को किस अवसर पर जारी किया गया है, तो विश्व पर्यटन दिवस के दिन इसको जो है जारी किया गया है। अगला प्रश्न है कि इस रिपोर्ट को कौन तैयार करता है, तो पर्यटन मंत्रालय तैयार करता है, और ये कौन सा संस्करण है, तो 63वां संस्करण है। ठीक है दोस्तों, एक बार प्लीज़ सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर जरूर कर दें। ठीक है, आगे के पोषण अभियान पर 4वीं प्रगति रिपोर्ट किसके माध्यम से जारी किया गया, तो नीति आयोग के माध्यम से जारी किया गया है। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है, तो भारत में पोषण पर प्रगति का संरक्षण, महामारी के समय में पोषण अभियान इसका शीर्षक रहा है। अगला प्रश्न है कि भैया 2020 में पोषण अभियान के क्रियान्वयन में 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं, तो महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, और गुजरात हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2020 में पोषण अभियान के क्रियान्वयन में 3 छोटे कौन कौन से राज्य हो जाएंगे, सिक्किम, मेघालय और त्रिपुरा हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि 2020 में ही पोषण अभियान के क्रियान्वयन में शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश कौन सा रहा है, तो ये दादर नगर हवेली, दमण दीव रहा है, चंडीगढ़ रहा है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा कौन सा रिपोर्ट जारी किया गया, तो भारत में अपराध 2021 रिपोर्ट जो है जारी किया गया है। 2021 में किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक साइबर अपराध दर्ज किया गया है, तो ये भैया आंसर हो जाएगा तेलंगाना। आंसर क्या हो जाएगा भैया, तेलंगाना इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 2021 में किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक आर्थिक अपराध मामले दर्ज किए गए हैं, तो ये राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, ये सब नोट करते रहेगा आप लोग। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 2021 में किस राज्य में अनुसूचित जनजाति के खिलाफ सर्वाधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं, तो ये MP में दर्ज किया गया है। ठीक है, आगे प्रश्न में बात कर लेते हैं, 2021 में किस राज्य में अनुसूचित जाति के खिलाफ सर्वाधिक, तो ये उत्तर प्रदेश में, और जनजाति में अगर बात करें तो MP, और अनुसूचित जाति की बात करें तो उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है कि भैया 2021 में किस राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध में जो उच्चतम दर्ज किया गया, तो असम में महिलाओं के खिलाफ जो है 168.3% है। ठीक है, 168.3% महिलाओं के खिलाफ अपराध में दर्ज किया गया है। अगला प्रश्न देख लीजिए भैया कि वर्ष 2021 में किस राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध में सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए हैं, तो 2021 में हो जाएगा महिलाओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला है कि किस केंद्र शासित प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की उच्चतम जो है दर दर्ज किया गया, तो दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि महिलाओं के खिलाफ दर्ज अपराधों की संख्या सर्वाधिक किस केंद्र शासित प्रदेश में रही है, तो भी दिल्ली में ही रहा है। ठीक है, दिल्ली में ही रहा है सर्वाधिक। प्रश्न अगला है कि यूथ इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी किसने किया है, तो केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यालय कार्बन मंत्रालय के माध्यम से जारी किया गया है। प्रश्न अगला कि रिपोर्ट के अनुसार भारत की बुजुर्ग आज़ादी वर्ष 2036 तक कितने प्रतिशत हो जाएगी, तो 14.9% हो जाएगी। 2016 में जो कितनी थी वो 9.2% थी यहाँ पर। ठीक है, अगला है कि रिपोर्ट के अनुसार भारत की युवा जो आबादी 2036 तक कितने प्रतिशत हो जाएगी, तो युवा आबादी 22.7% हो जाएगी, और 2016 में जो थी वो 27.9 थी। ठीक है, यानी युवा का जो है परसेंटेज कम होने वाला है। ठीक है, आगे है कि भैया कि भारतीय नवाचार सूचकांक 2021 किसके द्वारा जारी किया गया है, तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। अगला प्रश्न है कि 2021 में सूचकांक का कौन सा संस्करण जारी किया गया है, तो ये 3रा संस्करण जारी किया गया है। अगला प्रश्न है कि बड़े राज्यों के श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला कौन सा राज्य है, तो कर्नाटक है बड़े राज्यों की श्रेणी में। ठीक है, अगला प्रश्न है भैया पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में कौन सा शीर्ष स्थान है, तो ये मणिपुर हो जाएगा पूर्वोत्तर राज्य में। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश और शहरी राज्यों की श्रेणी में कौन सा हो जाएगा, चंडीगढ़ हो जाएगा। और बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो ये 7वां स्थान है उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न है भैया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क का वर्ष 2022 में कौन सा संस्करण जारी किया गया है, तो ये फिर 7वां संस्करण जारी किया गया है। अगला प्रश्न है कि NIRF इंडिया रैंक 2022 में किस संस्थान को समग्र श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये IIT मद्रास को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इंजीनियरिंग श्रेणी में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है, तो ये IIT मद्रास को भी प्रथम स्थान दिया गया है। आगे प्रश्न है कि भैया विश्वविद्यालय की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त करना किसने प्राप्त किया है, तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर को ये विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान दिया गया है।
और अनुसंधान संस्थानों में किसे प्रथम स्थान दिया गया? तो भारतीय, यही बेंगलुरु, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर को दिया गया है। प्रबंधन श्रेणी में कौन सा प्रथम स्थान है? तो IIM अहमदाबाद को दिया गया है। चिकित्सा श्रेणी में कौन सा प्रथम स्थान है? तो ये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स यानी नई दिल्ली को दिया गया है। फार्मेसी में कौन सा प्रथम स्थान है? वो जामिया हमदर्द नई दिल्ली है। कॉलेजों की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किसने किया है? तो मिरांडा हाउस नई दिल्ली के माध्यम से। और आर्किटेक्चर विषय में पहला स्थान कौन प्राप्त किया है? तो IIT रुड़की, ठीक है, IIT रुड़की ने आर्किटेक्चर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न ये देख लेते हैं कि कानून श्रेणी में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? तो नेशनल लॉ कॉलेज, लॉ स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी बेंगलोर ने कानून की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है। अगला प्रश्न कि डेंटल विषय में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी साइंसेस जो कि चेन्नई में है, ये प्रथम स्थान इसने प्राप्त किया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा परफॉर्मेंट ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट्स रिपोर्ट जारी किया गया है? तो ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। अगला प्रश्न है कि भैया यह रिपोर्ट किस अवधि हेतु जारी की गई है? तो 2018-19 एवं 2019-20 हेतु जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में भारत में स्कूल शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला कौन सा जिला है? तो राजस्थान का सीकर जिला है, याद रखिएगा, राजस्थान का सीकर जिला है। अगला प्रश्न देख लेते भैया कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने किस सूचकांक को जारी किया गया है? तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 को। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में क्या क्या चीज़ें खास है उसको भी देख लेते हैं। तो ये कौन सा संस्करण था? ये चौथा संस्करण था। और बड़े राज्यों में प्रथम स्थान कौन है? तमिलनाडु। छोटे राज्यों में प्रथम स्थान गोवा रहा है। और केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम स्थान जम्मू कश्मीर का रहा है। ठीक है भैया, अगला देख लेते हैं कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर रहा है? भैया 8वें स्थान पर रहा है, इसका स्कोर 54.5 रहा है। ठीक है दोस्तों, भैया आगे है कि हाल ही में राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है? तो भैया ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न भैया देख लेते हैं कि सूचकांक में बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान किसका प्राप्त हुआ है? तो गुजरात। और छोटे राज्यों में अगर बात कर लेते तो भैया गोवा का स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश का पूछ ले तो ये 13वां स्थान है। और केंद्र शासित में चंडीगढ़ प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है भैया, अगला देख लेते हैं कि किस मंत्रालय द्वारा केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन दिशा निर्देश 2022 जारी किया गया है? तो ये केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से जारी किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इंडिया प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2021 किसने जारी किया है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के माध्यम से जारी किया गया है। अगला देख लेते हैं भैया कि इस रिपोर्ट के अनुसार पत्रकारों का सर्वाधिक हमले किस राज्य में हुए हैं? जम्मू कश्मीर में हुए हैं। और अगला प्रश्न है कि इस रिपोर्ट के अनुसार पत्रकारों मीडिया संगठनों पर हमलों की दृष्टि से शीर्ष चार राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो भैया इनके बारे में जान लेते हैं। प्रथम स्थान रहा भैया जम्मू कश्मीर का, दूसरा उत्तर प्रदेश का, तीसरा मध्य प्रदेश का और चौथा त्रिपुरा का रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में रिमैनेजिंग हेल्थ केयर इन इंडिया थ्रू ब्लेंडेड फाइनेंस, ठीक है, रिपोर्ट जारी किया गया है, ये नीति आयोग के माध्यम से जारी किया गया है। अगला प्रश्न है कि सतत विकास लक्ष्य 3 का संबंध किससे है? तो अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण से है। ठीक है, अगला प्रश्न भैया कि जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक जारी करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो ये जम्मू और कश्मीर बन गया है। अगला प्रश्न है कि स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज के विजेताओं के रूप में कितने शहरों का चयन किया गया है? तो ये 11 शहरों का चयन किया गया है। 11 शहर कौन कौन से हैं? ठीक है, बेंगलोर, गुरुग्राम, हरियाणा, औरंगाबाद, कोची, कोहिमा, नागपुर, पिपरी, चिचवाड़, पुणे, उदयपुर, उज्जैन और विजयवाड़ा। ठीक है, इनका चयन किया गया है। तो केंद्रीय आवासन और शहरी मंत्रालयों
मामलों के मंत्रालय के माध्यम से किया गया है। अगला प्रश्न है कि मंत्रालय ने नवशरिंग नेबरहुड चैलेंज को कितने विजेता शहरों की घोषणा करी है, तो 10 के शहर की। वही 10 शहर कौन कौन से होंगे भैया? बेंगलोर, हुबली धारवाड़ हो जाएगा, इंदौर, जबलपुर, काकीनाडा, कोच्चि, कोहिमा, राउरकेला, वडोदरा और वारंगल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मंत्रालय ने किस चैलेंज के सीजन 2 का शुभारंभ किया है, तो इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज एंड स्ट्रीम फॉर पीपल चैलेंजेस का जो है शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है कि इंडिया स्किल्स, ठीक है, इंडिया स्किल्स 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता के सम्मान समारोह का आयोजन हुआ है, तो ये हो जाएगा तालकटोरा इंडोर स्टेडियम जो हो जाएगा, ये नई दिल्ली में है, यहाँ पर किया गया है। अगला प्रश्न भैया, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने इसका आयोजन किया है, तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने इसका आयोजन किया है। 3 जो है शीर्ष विजेता राज्य कौन से हैं, उड़ीसा, महाराष्ट्र और केरल हो जाएंगे। प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, 13वां। इसने क्या क्या जीता है, बात देख लेते हैं कि 1 स्वर्ण जीता है, 2 रजत जीते हैं, 2 कांस्य जीते हैं और 2 उत्कृष्टता पदक जीता है, ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा भैया कि नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग 2021 में किस संस्थान को लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो IIT मद्रास को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं कि अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से जारी किया गया है। 27 दिसंबर 2021 को किसने चौथा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया है, तो नीति आयोग ने जारी किया गया है, ठीक है। आगे बात कर लेते भैया, सूचकांक में किस अवधि को संदर्भ वर्ष के रूप में लिया गया है, 2019-20 को संदर्भित वर्ष के रूप में लिया गया है। प्रश्न अगला है कि बड़े राज्यों में समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के लिए के मामले में शीर्ष एवं अंतिम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है, तो केरल शीर्ष पर रहा है और अंतिम की अगर बात कर लें भैया तो उत्तर प्रदेश रहा है, ठीक है भैया। आगे बात कर लेते हैं कि बड़े राज्यों में दूसरे स्थान पर तीसरे स्थान पर कौन सा रहा है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा है और तीसरे स्थान पर तेलंगाना रहा है। सुशासन सूचकांक 2021 कब जारी किया गया, तो ये 25 दिसंबर 2021 को जारी किया गया। वही सूचकांक को किसके द्वारा जारी किया गया, तो अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं, इनके माध्यम से जारी किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ शेयर करिएगा सभी लोग, ठीक है, शेयर करें और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और प्रेस बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। और आप सभी से जाने से पहले एक बात कह दूँ कि करंट अफेयर में जुड़े रहिएगा शुरू से आखिरी तक। मैं सभी को जितना भी करंट अफेयर पिछले साल का है, वार्षिक करंट अफेयर, मैं उस वार्षिक करंट अफेयर को एक बार सभी को पढ़ा दूंगा, उसके बाद में फिर जहां से है उसके बाद से उसका आगे करंट अफेयर में सभी को करा दूंगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लीजिएगा, ज़्यादा दिन नहीं, 2 से 3 महीने के अंदर मैं आपको साल 1-1.5 साल का पूरा करंट अफेयर करा दूंगा, जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। वीडियो को शेयर लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए लेता हूँ आप अलविदा, मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सभी लोग कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा।